ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने वन महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ अपने हाथों से पौधा लगाकर किया। उन्होंने इस मौके पर जिले में 2 लाख पौधे को लगाए जाने की बात कही और वहीं उन्होंने इसको लेकर उचित रखरखाव का भी दावा किया। ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने वन महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ अपने हाथों से पौधा लगाकर किया। उन्होंने इस मौके पर जिले में 2 लाख पौधों को लगाए जाने की बात कही। वहीं उन्होंने इसको लेकर उचित रखरखाव का भी दावा किया। कंवर ने कहा कि जीवन में पौधे काफी अहम हैं, इसलिए वे अपने विधानसभा हल्के में एक जगह को अडॉप्ट कर वहाँ पर पौधे लगाएंगे। कंवर ने उस अडॉप्ट किए जाने वाली जगह को खुद देखभाल किए जाने की बात कही है। वहीं उन्होंने गांवों में भी पंचायती भूमि पर भी मनरेगा के तहत पौधारोपण किए जाने की बात कही और पंचायती भूमि पर पौधों की नर्सरी भी तैयार की जाने की बात कही। पूरे प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक वन महोत्सव की शुरुआत की है, उसी कड़ी में जो है वो आज जिला ऊना में भी जो है वो वन महोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है और इसमें हम करीब 2 लाख से ज़्यादा पौधे जो हैं वो रोपित करेंगे और हम जहाँ उसका संरक्षण भी करेंगे और उसकी डेवलपमेंट के लिए जो भी संभव होगा वो करेंगे। और इस बार हमने ये भी तय किया है कि जो पौधे इस बार लगेंगे उनकी देखरेख भी होगी और अगली बार जो है जो देखेंगे कि जो पौधे जो सूख गए हैं, जो मर गए हैं, उनकी जगह पर नए पौधे जो है वो लगाए जाएंगे, यानी कि हम उसका रखरखाव भी जो है वो साथ में कर रहे हैं। और मैंने भी ये तय किया है कि जिला ऊना में और कुटलैड विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितने भी पौधे लगेंगे तो एक प्लांटेशन जो है जो 7 एकड़ जगह के ऊपर जो है वो कर रहे हैं उसको जो है मैं अपने आप उसको अडॉप्ट करूँगा, यानी कि उसका रखरखाव मैं समय समय पर जो है वो मैं भी उसमें जो है वो रुचि रखूंगा और उसको देखूंगा ताकि उसकी सर्वाइवल जो है वो रहे। और अगली बार जो पौधे सूख जाएंगे उनकी जगह नए पौधे जो है वो लगाएंगे, उसकी जो है वो देख रेख जो है वो मैं स्वयं करूंगा। इसके ऊपर जो है वो बड़ी गंभीरता से विचार किया है कि कम से कम जो पंचायत का जो एरिया है और जो पंचायत की अपनी भूमि है उसके अंदर जो है वो हम मनरेगा के माध्यम से जो है वो प्लांटेशन करेंगे। और इस बार जो है वो हमारी जो हम नीतिगत फैसला ले रहे हैं, इस बार हम वन विभाग के सहयोग से हम नर्सरी जो है वो मनरेगा के तहत जो है वो नई नर्सरी जो है वो स्थापित करेंगे ताकि प्लांटेशन की जो है वो शॉर्टेज ना हो और अगली बार हम उसमें जो है वो प्लांटेशन जो है वो करेंगे। सड़कों पर आवारा पशुओं से हो रही दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रदेश सरकार सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़ने को लेकर 1 अगस्त से अभियान चलाने जा रही है। ये अभियान 2 चरणों में चलेगा। पहले में हिंसक किस्म के द्वारा आवारा पशुओं को पकड़ा जाएगा, उन्हें गौशाला में रखा जाएगा। वहीं दूसरे चरण में आवारा सड़कों पर घूम रही गायें और अन्य पशुओं को पकड़कर काउ संचेरी में रखा जाएगा ताकि सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इस अभियान के तहत ऊना को आवारा पशुओं से मुक्ति भी मिलेगी और दुर्घटनाओं पर अंकुश भी लगेगा। और जो दिन प्रतिदिन जो है वो सड़कों के ऊपर जो है वो दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं, इसके लिए हमने कहा है कि हम 1 अगस्त से जो है वो एक अभियान शुरू करेंगे कि जो रोड के ऊपर जो सड़क के ऊपर जो पशु हैं हम उनको जो है वो जिला की जो है वो गौशालाओं में जो है पहुँचाएँगे। नई गौशालाएँ भी जो है वो छोटे स्तर पर जो है वो बनी हैं। तो हम पहले चरण में जो है जो हिंसक प्रवृत्ति के जो बैल हो चुके हैं, सांड हो चुके हैं, हम उनको पकड़ कर जो है वो गौशाला में पहुंचाएंगे ताकि वो किसी को जान माल का जो है वो कोई नुकसान ना हो। और दूसरे चरण में जो है वो कऊ सेंचुरीज जो जिला ऊना में अपना थाना कलां खास में जो है वो बन रही है और उसके ऊपर जो है उसमें जो है वो हम तकरीबन सभी को जो है वो एक आश्रय जो है वो वहाँ पर दे देंगे ताकि एक जिला ऊना जो है वो इस तरह से बेसहारा पशुओं से जो है वो मुक्त हो जाए। कार्यक्रम में वक्त चला, छोटे से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।